नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में सामाजिक संस्थाओं की ओर से 15 अप्रैल के बाद खाना नहीं बांटा जाएगा। इन संस्थाओं ने आज फतेहाबाद के अनाज मंडी के सेट के नीचे बाकायदा मीटिंग बुलाई। इनका कहना है कि प्रशासन द्वारा उनका कोई भी सहयोग नहीं किया जा रहा और सामाजिक संस्थाओं ने ये तक भी कह दिया है कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने सामाजिक संस्थाओं से बात की और उनका हौसला बढ़ाया था, लेकिन फतेहाबाद प्रशासन द्वारा धरातल पर इस प्रकार का कोई भी काम नहीं किया जा रहा और सामाजिक संस्थाओं को निमंत्रण भी नहीं दिया जाता। प्रशासन केवल उन लोगों की मीटिंग बुलाता है जो काम नहीं कर रहे हैं और इसी से नाराज होकर के संस्थाओं की ओर से अनाज मंडी शहर में एक शेड के नीचे मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सामूहिक रूप से सबने मिल करके ये निर्णय लिया कि 15 अप्रैल के बाद में भोजन वितरित नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि फतेहाबाद में दर्जन भर ऐसी संस्थाएं हैं जो लॉकडाउन के दौरान और शुरुआत से ही लगातार भोजन दे रही हैं। ये भोजन बाकायदा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाया भी जाता है। आज उनके द्वारा प्रशासन की कार्यप्रणाली के चलते भोजन नहीं बांटने का निर्णय लिया गया। संस्थाओं का कहना है कि प्रशासन द्वारा उन्हें मास्क और सैनिटाइज़र भी नहीं उपलब्ध करवा रहा और सुरक्षा की दृष्टि से ये सब होना चाहिए। प्रशासन का रवैया पूरी तरह से नकारात्मक रहा है, जबकि हम सभी ने रेड क्रॉस के साथ मिलकर के एक सामाजिक रूप से भोजन भी वितरित किया है और दर्जन भर संस्थाएं लगातार इस काम में लगी रहीं। लेकिन इस निर्णय के बाद मैं आपको बता दें कि गरीब और बेसहारा तथा मजदूर लोगों के लिए व ज़रूरतमंद लोगों के लिए कुछ दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर उनको भोजन रोजाना फ्री में दिया जाता था वो अब शायद नहीं मिलेगा। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। कोरोना महामारी को लेकर जो लॉकडाउन हुआ है, पहले दिन से लॉकडाउन से सभी संस्थाएं अपने लेवल पर ज़रूरतमंदों तक खाना पहुंचा रही हैं। प्रशासन से हमने एक बार सामंजस्य किया, प्रशासन के साथ बैठक की सभी संस्थाओं ने। प्रशासन ने हमें अलग अलग एरिए बांट कर दे दिए भी आप लोग इन एरियों में खाना बांटे। तब से हर संस्था अपना पूरा सहयोग कर रही है प्रशासन को और ज़रूरतमंदों को खाना खिला रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जो संस्थाओं के साथ जो संस्थाएं खाना बांट रही हैं उनके साथ। वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला प्रशासन ने हम लोगों में से जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें से एक भी ऐसी संस्था जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है उनको नहीं बुलाया। जिन लोगों को बुलाया उनको हमने कभी एक ब्रेड भी किसी गरीब को या किसी ज़रूरतमंद को देते हुए नहीं देखा। हमने प्रशासन से बात की तो प्रशासन ने हमारे को संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आज हम सारे संस्थाओं वाले इकट्ठे हुए हैं और हमारा संस्थाओं का यही फैसला है कि जो खाना अब हमारे पास बना हुआ है, जितना बना हुआ है हम वो बांट देंगे। आगे से हम खाना बंद कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ना तो हमारे को कोई भी सेफ्टी जो मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़र कुछ भी नहीं दे रहा। और हर प्रकार से प्रशासन ने आज तक सामाजिक संस्थाओं को इग्नोर किया है, अनदेखा किया है। इसलिए हम जितना खाना आज रात तक हम खाना बांटेंगे कल से हम